सुषमा स्वराज, कैसे उनको याद करेंगे? देखिए, उनको याद करने के लिए तो अंतर्मन की भित्तियों में सैकड़ों ऐसी स्मृतियां हैं जो पर्याप्त हैं, और इतना हम लोग साथ में रहे, लंबे समय से काम किए हैं, जब कार्यकर्ता के रूप में भी उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है, पार्लियामेंट मेंबर के रूप में उनका सहयोग मिला, उनके साथ मिला है, कैबिनेट मंत्री के रूप में जब वो काम कर रही थी तो मैं भी कैबिनेट मंत्री के स्टेटस में काम कर रहा था, चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर SC NST के रूप में, और देश विदेश में भी जब हम लोग जाते थे तो उनकी मुलाकातें वहाँ भी हुई हैं। आमो खास से उनका जुड़ाव बड़ा गहरा था, कोई भी शख्स एक ट्वीट करता था उस पर फौरन वो सक्रिय हो जाती थी उनका काम करा। देखिए, सुषमा जी वो शख्सियत थी जो परोक्ष रूप से भले ही किसी से जुड़ी ना जुड़ी हो, पर उनके एक ट्वीट पर वो उससे सीधे जुड़ती थी और उसकी समस्याओं का समाधान करती थी। वो देश ही नहीं, विदेश में भी इसी प्रकार, मतलब कि पाकिस्तान का भी कोई शहरी हो, बीमार हो, इंडिया में उसके इलाज की ज़रूरत है, उसके लिए पूरे तौर पर आगे रहती थी। निस्संदेह आपने देखा होगा कि एक पाकिस्तान नागरिक किस तरह से कष्ट में था, यहाँ इलाज करना था उसको, उन्होंने आउट ऑफ द वे जा कर के कितना मदद किया था। और मदद की अगर बात की जाए तो अमेरिका के लोग भी आज उन्हें याद करते हैं जो मुसीबत में गल्फ़ में फंसे थे और उनके देश तक पहुंचाने का उन्होंने काम। JP मोमेंट से लेकर के इस कार्यकाल तक, प्रधानमंत्री मोदी के साथ तक, जैसा उनका कार्यकाल पूरा रहा, उनके काम करने का अंदाज़ या फिर उनके अपने उसूलों पर डटे रहना सराहनीय न सिर्फ है बल्कि लोगों के लिए एक मिसाल है। निस्संदेह, और मिसाल ही क्या बल्कि लोग उनके एक एक एक्टिविटीज़ को इंटरेक्ट करते थे, जीते थे, एक तरह से देखा जाए तो जीता जागता संपर्क हुआ करता था। वो एक ऐसी लाइव लीडर थी जो हर व्यक्ति के साथ उनका एकदम लाइव सजीव संपर्क होता था, और ऐसा लगता था कि जैसे वो केवल समाज के लिए ही बनी है। कैमरा पर्सन राकिब के साथ जब्बार खान, R9 TV।